Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस के अबाउट। तो कुछ महीने पहले मैंने PHP या वेब डेवलपर के लिए अप्लाई किया था इन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस। तो उन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो मोस्टली पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चन थे, कुछ सिनेरियो बेस्ड होते हैं और कुछ होते हैं हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो मैं इस सीरीज़ के अंदर SQL सर्वर, MySQL, PHP कोर जो हमारा है, या लारावेल के हमारे क्वेश्चंस हैं, इवन एजेक्स, jQuery और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ के अंदर। तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर मुझे अगर कुछ रेस्पॉन्स मिलता है नंबर ऑफ वीडियोज़ के अंदर, तो मैं इसको और ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ़ वीडियोस इस पर बनाऊँगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, क्योंकि आप तकरीबन जो है ना वो नंबर ऑफ़ बिगिनर्स और एडवांस सीरीज तो ट्यूटोरियल्स की देख के पढ़ लेते हो, लेकिन इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो बेसिस क्वेश्चंस और उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनकी नॉलेज होना लाजमी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मोस्टली एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है जी, और वो है हमारे पास जो इंटरव्यूअर होते हैं वो पूछते हैं कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, और जाहिर है आपको पता है कि अगर ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, मेजॉरिटी हमारा जो काम होता है वेब डेवलपमेंट के साइट पे, तो वो होता है हमारा ई कॉमर्स का, ठीक है। तो उसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया 2-3 सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर कराची पाकिस्तान के अंदर, तो वो था हमारे पास कि भाई वो नंबर ऑफ संभलने आइटम्स अगर हमें सर्च करने हो जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसमें हमारी 15 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिसमें से 5 जो है वो ऑर्डर हुई हैं और 10 अभी तक ऑर्डर नहीं हुई, यानी हमारे पास वो आइटम है लेकिन कभी भी ऑर्डर नहीं हुए। तो अगर मुझे उस तरह के आइटम ढूंढने हैं या मुझे फाइंड करने हैं जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए, तो उसके लिए मुझे कौन सा सिनेरियो, कौन सी क्यूरी लगानी पड़ेगी। तो भाई इसको करने के लिए हमारे बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू आप इस अप्रोच को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो अप्रोच है वो मैं यूज करूंगा सब क्यूरी। अब इस सब क्यूरी के थ्रू हमारे पास ये आपको सिंपल सी क्यूरी नजर आ रही होगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए। लेकिन मैं पहले आपको कुछ नंबर ऑफ टेबल दिखा दूं कि वो किस तरह की टेबल होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर 3 टेबल है। अब हमारे पास आप लोगों ने कुछ नंबर ऑफ ट्यूटोरियल तो पढ़े होंगे कि भाई MySQL के अंदर हमारे पास अगर हमें कुछ टेबल्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे, और इसके मन डिज़ाइनर के अंदर हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं ताकि समझ में आपको आराम से आ जाए। देखें, ये आइटम्स की टेबल है, ये हमारी ऑर्डर्स की टेबल है, और ये हमारी ऑर्डर आइटम्स की टेबल है। देखिए, हमारे पास ऑर्डर क्रिएट होता है और आइटम्स भी हमारे अलग अलग से स्टोर होते हैं, ठीक है। सपोज एक आइटम है हमारा ABC और एक ऑर्डर क्रिएट हुआ हमारा 1-2-3, ठीक है, या XYZ। लेकिन जब भी कोई आइटम ऑर्डर होता है तो हम एक क्या मास्टर टेबल यूज करते हैं, यानी जो आइटम ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आइटम्स के टेबल के अंदर हम स्टोर करवाते हैं, राइट। क्योंकि यहां पे आप देख सकेंगे कि हमारे पास ये जो आइटम्स की आईडी है वो यहां पे आपको एज अ फॉरेन की नजर आएगी। ऑर्डर आइटम के अंदर हमारे पास जो ये देखें आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये आइटम आईडी हमारी क्या है, एज अ फॉरेन की है, और ये हमारी यहां पे एज अ प्राइमरी की है। इसी तरह ऑर्डर्स की जो हमारी टेबल है उसकी जो आईडी है एज अ प्राइमरी की, वो यहां पे आपको मिलेगी एज अ ऑर्डर आईडी, जो हमारी क्या होगी यहां पे एज अ फॉरेन की। यानी कौन सा आइटम
कब ऑर्डर हुआ या कौन से ऑर्डर में वो गया। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर है तो उसमें मल्टीपल आइटम भी तो जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बार या कौन सा आइटम कब जो है ऑर्डर हुआ है उसको हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं क्यूरी की, तो सिंपल सी क्यूरी होगी। हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स, तो हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास वो नंबर ऑफ आइटम आ जाएंगे जो आइटम्स की टेबल के दिखाऊंगा कि हमारे पास क्या हुआ है जी, ये हमारे ऑर्डर आइटम है। यानी जो आइटम ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आइटम के अंदर जाके स्टोर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सी सब क्यूरी जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो हम यूज करेंगे टू फेच दैट डेटा। अब सिंपल सी क्यूरी का मैं आपको फिलोर चीजें भी समझा देता हूँ, ये कर क्या रही है। देखें इस क्यूरी का यहां पे काम क्या है, हम पहले सिलेक्ट कर रहे थे ऑल आइटम्स जो भी हमारी आइटम्स की टेबल में है, ठीक है। फिर मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे आके मैंने नॉट इन को और सब क्यूरी को यूज करके वो नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करने हैं जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बताया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स वेयर आई डी नॉट इन। अच्छा अब यहां पे देखें हमें ये क्या दे रहा है, ये जो सब क्यूरी है वो मुझे वो नंबर ऑफ आइटम्स जो भी ऑर्डर आइटम के अंदर पड़े, यानी यहां पे आके देखें जो भी आइटम ऑर्डर होगा वो कहाँ आएगा, ऑर्डर आइटम्स के अंदर आएगा, सही है। यानी जो आइटम अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ वो यहां पे कभी भी नहीं आएगा, जो भी आइटम हमारा ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आइटम के अंदर जाके लाजमी स्टोर होगा, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ आइटम्स की आईडी जो ऑर्डर आइटम के अंदर पड़ी है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैंने क्या किया, सब क्यूरी के थ्रू सबसे पहले सिलेक्ट की आइटम आईडी कहां से, ऑर्डर आइटम से, ठीक है। ऑर्डर आइटम से मैंने क्या किया, आइटम आईडी ढूंढी, ठीक। यहां पे आते हैं तो देखें ये मुझे क्या रिटर्न कर रही है सब क्यूरी, आइटम आईडी, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूं कि सिलेक्ट करो आइटम से, क्या सिलेक्ट करो, वो आईडी जो ऑर्डर आइटम्स के अंदर नहीं है, नॉट इन ऑर्डर आइटम्स। अब जाहिर है वो आइटम जो ऑर्डर नहीं हुआ वो ऑर्डर आइटम के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो आइटम्स टेबल के अंदर तो सारे आइटम पड़े हैं, लेकिन मुझे वो चाहिए जो कहां नहीं पड़े या जो अभी तक ऑर्डर आइटम के अंदर गए ही नहीं, ठीक है जी। तो वो आइटम जो अभी तक ऑर्डर आइटम्स में नहीं गए मुझे क्या करने, वो फेच करने। जाहिर है अगर वो ऑर्डर होते तो ऑर्डर आइटम की टेबल में जाते, ठीक है। तो मैं इस पूरी क्यूरी को सिलेक्ट करके जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो नंबर ऑफ आइटम्स दिखेंगे जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर देखें मैं यहां पे सिर्फ कहता इसको कि मुझे सिलेक्ट ऑल आइटम करो, देखें यहां पे आईडी शो हो रही है ना आपको 2, 4, 5, ये हमारे कौन से आइटम है जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए, लेकिन जब मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आइटम्स करूंगा तो आपको यहां पे सारे आइटम दिखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 सारी आईडी शो हो रही है ना, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करके चला रहा हूं तो मुझे वो नंबर ऑफ आइटम दिख रहे हैं जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब क्यूरी के थ्रू है, इसके अलावा हम लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास नॉट एग्जिस्ट का एक कीवर्ड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको जो है वो बाकी वीडियोस के अंदर कवर करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 10 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर और डिटेल
डीप में जाके इन चीजों को कवर करूं ताकि आपके लिए बेहतर हो फॉर योर इंटरव्यूज। ठीक है जी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इन वीडियोस से फायदा उठाए। ओके जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।